हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज भी ये ब्लॉग नहीं होने वाला है, आज एक ये नॉर्मल वीडियो है जो कि हम फ़ोन लेकर आए हैं एक न्यू, तो उसी की अनबॉक्सिंग की वीडियो, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। अभी तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो, फ़ोन को ओपन करके पूरा दिखाएंगे क्या क्या इसके साथ हमें मिला है, कितने का ये हमें फ़ोन पड़ा है और इसके अंदर क्या आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, फ़ोन कैसा है, कलर, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर अच्छी लगी हो तो, और शेयर तो कर देना। फ़ोन बड़ा झक्का से मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो चलिए वीडियो को, जैसा कि अब हमने इसका डब्बा खोल कर दिया है और ये फ़ोन ग्रीन कलर का है जो कि बड़ा झक्कास लग रहा है। और ये आपको मैं इस बॉक्स के अंदर दिखाता हूँ क्या क्या मिलता है हमें, और क्या कहते हैं, कुछ कागज़ मिले हैं और ये चार्जर है जो कि हमें मिला है इस बॉक्स के साथ, और जो कि बड़ा मस्त चार्जर, मतलब फास्ट चार्जर है। और ये टाइप सी केबल है जो बॉक्स के साथ आई है और ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, ये टाइप सी है, ज़्यादा इसकी लेंथ नहीं है, छोटी है। और बाकी बॉक्स के अंदर हमें कुछ नहीं मिला, बस इतना ही है। और चलते हैं अपने मेन चीज़ की तरफ, फ़ोन की तरफ, जो कि बड़ा ही झक्कास है, ग्रीन कलर का है, बड़ा मस्त लग रहा है दोस्तों। ये क्या कहते हैं, हमने इसकी रैपर हटाई है और ये हटाते हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइट तरीके से लग रही है, अगर खोलते हैं। और ये हमने इसकी रैपर हटाई और उसके बाद ये बड़ी टाइट लगी हुई है दोस्तों, ये हमने इसकी रैपर हटाई और ये देखिए क्या ही झक्कास फ़ोन लग रहा है यार, मतलब दिल को भा गया ये फ़ोन, इतना मस्त लग रहा है और साइड से ऊपर से इतने बेहतरीन लुक दे रहा है ये। बस हाँ, थोड़ा सा मोटा है लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है फ़ोन। और ये सिम इजेक्टर टूल से सिम देखते हैं, इसमें आप दो सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं आराम से। और वैसे ही ये पहले से 4/64 है, 4 GB रैम और 64 GB रोम, और नीचे ऑडियो जैक भी दे रखा है और टाइप सी पोर्ट है चार्जिंग के लिए। चलो इसको ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद आगे बात करते हैं। और जैसे कि सैमसंग लिखा आ गया है, सैमसंग लिखा हुआ है, थोड़ा सा उठ रहा है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा फीलिंग दे रहा है। और ये इसके जो पीछे कैमरा है वो भी 3 कैमरा लगे हुए हैं जो कि 50 MP का है और दो और हैं, मतलब पिक्चर क्वालिटी इतनी बेहतरीन है जैसे कि आप इस टाइम देख पा रहे हैं, एक नंबर पिक्चर क्वालिटी है, बहुत बेहतरीन, मतलब नेक्स्ट लेवल इस प्राइस रेंज में तो बहुत मस्त है। तो हम इसको सेटअप करते हैं और सेटअप करने के बाद आपसे बात करते हैं। ये फ़ोन ऑन हो गया है और अब इस फ़ोन के अंदर हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है। बहुत सारे ऐप आपको फ्री इंस्टॉल मिलेंगे, आप उन्हें डिलीट भी कर सकते हो आसानी से। तो हम चलते हैं सेटिंग्स में और सेटिंग्स में जाके देखते हैं हमें इसमें क्या क्या मिलता है। और सबसे पहले हम देखेंगे इसका एंड्रॉयड वर्ज़न क्या है, इसका एंड्रॉयड वर्ज़न वैसे 12 है, मुझे पता है, मैं बता देता हूँ, उस पर भी क्लिक करके दिखा दें आपको। एंड्रॉयड वर्ज़न 12 है इसका, 10 नहीं सॉरी, एंड्रॉयड वर्जन 12 है। और बाकी ये सब लिखा हुआ है इसमें, ज़्यादा पता भी नहीं चलता कुछ क्या लिखा है, सही बताऊँ तो हमें, क्योंकि हमारा ये अनबॉक्सिंग का काम नहीं है तो फ़ोन लेकर आए थे इसलिए वीडियो बना रहे हैं। और बाकी इसकी बैटरी 6000 mAh है जो कि बहुत मस्त चल रही है बढ़िया से, और ब्राइटनेस भी इतनी बेहतरीन है, मतलब बहुत अच्छी है, सब कुछ बढ़िया ही है इस फ़ोन में, ऐसा कुछ खास ख़राब लगा नहीं जिस प्राइस रेंज में है तो बढ़िया ही है। बाकी हम चला रहे हैं इसे, देखो इसे आप जो ऐप फालतू के फ्री इंस्टॉल मिलते हैं उन्हें आप आसानी से डिलीट भी कर सकते हैं। कैमरा दोस्तों इसका बहुत ही कमाल है, मतलब सैमसंग के फ़ोन के कैमरे होते ही बहुत अच्छे हैं, मेरे भी के सैमसंग का ही है, और ये भी बहुत अच्छा है, मतलब इसकी पिक्चर्स क्वालिटी मैंने आपको दिखाई, अब मैं फिर से लगा देता हूँ, वीडियो भी इतनी अच्छी बन रही है इससे। और बाकी ऐसा ही है जो भी है, और इतनी कोई ख़ास हमें फ़ोन की अनबॉक्सिंग करने की नॉलेज नहीं है, जैसा भी है यही है। तो ये फ़ोन हमें 12000 का पड़ा है और आप भी किसी भी ऐप या वेबसाइट से जाके ख़रीद सकते हैं आसानी से, और इस फ़ोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी F13। और अब तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि सारी